नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो पेज नंबर 1 पर क्वेश्चन नंबर 7 होगा, और इस क्वेश्चन में हम बिल का थर्ड यूज़ सीखेंगे। अभी तक दो यूज़ हमने बिल के सीख लिए हैं। नंबर 1, ड्यू डेट तक बिल अपने पास ही रखो और खुद ही पैसे लो उससे जिसने साइन किए थे। दूसरा यूज़ हमने देखा कि हम बिल के पैसे खुद लेने के बजाय अपनी किसी पेमेंट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तब हमारा बिल का पैसा लेने का अधिकार ख़त्म हो जाएगा और जिसको हमने बिल पास किया था पैसा हमारी बजाय उसे मिलेगा। तीसरी चॉइस होगी बिल को बैंक से डिस्काउंट कर सॉरी बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना। क्या ये मतलब होता है क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, ऑन 1st of January 2012 अनीता सोल्ड गुड्स टू सुनीता ₹2,500 ऑन क्रेडिट। 1 जनवरी 2012 को अनीता ने सुनीता को सामान बेचा जो कि 2,500 का था। सबसे पहले अनीता ने इस बात को अपनी बुक्स में ज़रूर रिकॉर्ड करना है। क्या एंट्री करेंगे वो हम यहाँ पे, 1st of January 2012 सेल हो गई है और सुनीता हमारी कस्टमर बन जाएगी, तो सुनीता रिसीवर बनने के कारण डेबिट की जाएगी, सुनीता डेबिट टू सेल्स, और 2,500 वैल्यू इसमें डाल दी जाएगी। क्लियर है। सेम डेट सुनीता भी अपने पास एंट्री कर लेगी कि उसने परचेज की है, और एंट्री बनेगी वहाँ पे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट, किससे सामान खरीदा उसने, अनीता से सामान खरीदा, टू अनीता ₹2,500। क्लियर है। उसके बाद हमें आइडिया है अब इस चैप्टर का कि जिसे पैसे लेने हैं वो एक डॉक्यूमेंट राइट करेगा। अनीता ने डॉक्यूमेंट राइट करना है, लेकिन राइट करने से कुछ नहीं होना। उसके बाद उसने किसको पास करना है, ये सुनीता को। सुनीता को उसे साइन करना पड़ेगा, और साइन करने के बाद ये वापस इसके पास आएगा। जब इसके पास से गया था तो उसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन जब वापस आएगा तो उसकी वैल्यू 2,500 रुपये होगी, और ये सारा काम शॉप पे बैठे बैठे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में बात लिखी होगी, शी ड्रॉ लेटर ए बिल फॉर द अमाउंट फॉर 3 मंथ, और उसने 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर लिया। सारी बातें बताना जरूरी नहीं है कि उसने साइन किया और वापस किया, ये अंडरस्टूड है कि ड्रॉ करने का मतलब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई हैं, और फॉर्मेलिटीज पूरी करने से इसको क्या मिलेगा, बिल्स रिसीवेबल मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा इसे, सुनीता से मिलेगा, तो सुनीता को क्रेडिट किया जाएगा ₹2,500 से। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट लगेगा। ठीक है। इधर सुनीता ने एक एंट्री करनी है, उसके पास से हाथ से एक बिल निकल के किसके पास चला गया, अनीता के पास, तो उसने एंट्री करनी है अनीता डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और क्या गया इसके पास से, बिल्स पेबल। सारी दुनिया इसे बिल्स रिसीवेबल बोलेगी, लेकिन जिसने इस पे साइन किया है, जिसको रियलिटी में इसका पैसा चुकाना पड़ेगा, वो बोलेगा बिल्स पेबल, और वो 2,500 रुपये होंगे। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं अनीता को कौन कौन से अधिकार मिल गए। सबसे पहले वो अपने पास बिल को फाइल में संभाल के रखे और खुद पैसा ले ले। नंबर 2, किसी को आगे ट्रांसफर कर दे। नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 15th of January 2012, भाई ड्यू डेट इसके अंदर 3 महीने बाद आने वाली है, और 3 महीने जात के पूरे होते हैं 1 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले 15 जनवरी 2012 को अनीता ने कुछ किया है। अनीता डिपॉजिट द बिल विद हर बैंकर फॉर कलेक्शन। अनीता ने बिल बैंक में जमा कराया है कलेक्शन के लिए। क्या मतलब है इस बात का समझ लेना। बैंक हमें तरह तरह की फैसिलिटी देते हैं। सबसे पहले और सबसे कॉमन फैसिलिटी क्या देता है कि अपना पैसा अपने घर में ना संभालो, चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। अपना पैसा घर में रखने के बजाय कहाँ रखो, बैंक में रखो, जब जरूरत होगी हम पैसा आपको वापस दे देंगे। तो सबसे पहले तो बैंक आपका पैसा अपने पास रखने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 2, आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो, गोल्ड हो, वो भी बैंक कहता है कि अपने घर में ना रखो। हम आपको कौन सी फैसिलिटी देते हैं, लॉकर फैसिलिटी देते हैं। आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अपना गोल्ड, अपनी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी कहां पे रख सकते हैं, बैंक के लॉकर में रख सकते हैं अपने घर में रखने की बजाय, वो ज्यादा सेफ होती है। उसी तरीके से बैंक आपको एक और फैसिलिटी देता है कि अपने बिल भी अपने घर में अपनी फाइल में ना रखो, अपने बिल भी हमारे पास रखो। तो हम अपना बिल अपनी फाइल में ना रख के किसको सबमिट कर सकते हैं, बैंक को सबमिट कर सकते हैं, भाई ये बिल तू रख ले अपने पास। और बैंक सिर्फ इस बिल को रखेगा ही नहीं अपने पास, संभाल के तो रखेगा ही रखेगा, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा बेटर फाइलिंग सिस्टम होता है, खराब होने के, चोरी होने के, गुम होने के, मिस होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, वो एक काम आपसे और आपको और करके देगा, पहले तो आपसे बिल लेगा, बिल किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास, और वो सिर्फ अपने पास संभालेगा नहीं, ड्यू डेट आने पर वो उसकी कलेक्शन भी करवा देगा। कलेक्शन करवाने का मतलब समझे, बिल बैंक के पास रहेगा लेकिन आपका बैंक बैलेंस अभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिल तो आपने सिर्फ फाइल करने के लिए उसको दिया है। लेकिन ड्यू डेट आने पर बैंक के कंप्यूटर का सिस्टम बता देगा भी आज ये बिल ड्यू होने वाले,
वो कंप्यूटर में फीड कर लेते हैं कि आज कौन सी तारीख को कौन कौन से बिल ड्यू होने वाले हैं, जब वो आपसे लेते हैं तभी एंट्री कर लेते हैं। और जिस दिन वो ड्यू होगा कंप्यूटर उनको बता देगा ये बिल ड्यू होने वाले हैं, तो उनके पास एक पर्सन होता है वो सारे के सारे बिल की कलेक्शन करने निकल पड़ते हैं। आपको अब पेमेंट लेने के लिए पार्टी के घर पर जाने की जरूरत नहीं है, बैंक उस बिल को क्या करवाएगा, कलेक्ट करवाएगा। कलेक्ट करने का मतलब समझे, बैंक का एक एम्प्लॉई अब उस पर्सन के घर में जाएगा जिसने उस पर साइन किए थे और उसको प्रेजेंट करेगा ये वाला बिल, भैया ये बिल की ड्यू डेट आज थी, इसके पैसे दे दो। और जिसने साइन किया उसे तो इससे मतलब नहीं है कि ए आया बी आया सी आया डी आया कोई भी आया, उसे तो अपना डॉक्यूमेंट पहचानना है, उसको लेना है और पैसे देने हैं। तो बैंक क्या करेगा, अपना एम्प्लॉई भेजेगा, एम्प्लॉई पहुंचेगा उसके घर पे जिसने बिल के साइन किए थे और फिर उसके पैसे लेने के बाद बैंक के आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। आपके घर पे नहीं देने आएगा वो, लेकिन आपका जो बैंक में अकाउंट है वहीं पे पैसा ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई है, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। तो इस बार इन्हें थर्ड चॉइस क्या यूज़ कर ली, उसने बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया। ये तो स्मार्ट वर्क हो गया, खुद कलेक्शन के चक्कर में अब नहीं पड़ना, बैंक को कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो आज ही 15 तारीख को ही इसकी फाइल से एक बिल निकलने वाला है और कहाँ जाने वाला है, बैंक के पास। लेकिन ध्यान रखना बैंक नहीं लिख देना, क्योंकि बैंक का मतलब बैंक बैलेंस होता है हमारे लिए। हम इसका एक नया नाम बोलेंगे, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। भाई बिल हमने भेज दिया है किसके लिए, कलेक्शन के, और ढाई महीने पहले ही भेज दिया है और आज हमारे फाइल में से क्या निकल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हमारे यहां से निकल जाएगा। कितने वाला, 2500 रुपए का। बात समझ में आ गई है, बैंक अभी नहीं लिखेंगे, अभी थोड़ी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन बिल चला किसके पास गया, बैंक के पास ला गया फॉर कलेक्शन। तो हमने क्या लिखा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, डेबिट द रिसीवर, बैंक ही है रिसीवर, लेकिन बैंक शब्द का मतलब होता है बैंक बैलेंस बढ़ गया और अभी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, सुनीता क्या एंट्री करेगी, सुनीता को थोड़ी हमने बिल दिया, उसको तो पता भी नहीं होगा हमने बिल कलेक्शन के लिए जमा करा दिया है, उसको इसकी कोई जानकारी नहीं है, उसकी कोई भी एंट्री नहीं करेगी। हाँ, बैंक वाले अलग से एक फाइल में एंट्री अपने पास कहीं पे एंट्री कर लेंगे, वो भी एंट्री बैंक बैलेंस बढ़ाने की नहीं करेंगे हमारे, वो सिर्फ अपने पास रखने की एंट्री कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आएगी ड्यू डेट, अब ये बैंक के पास है, ड्यू डेट कब आएगी, जब पूरे 3 महीने लिखी हुई डेट से पूरे हो जाएंगे, और वो डेट पूरी होती है 1 अप्रैल 2012, और 3 दिन ग्रेस के भी बढ़ा दें तो 4 अप्रैल 2012 हो गया टाइम पूरा। अब क्या अनीता को पैसे लेने के लिए सुनीता के घर पे जाना पड़ेगा, पहली बात उसके पास पैसे मांगने के लिए डॉक्यूमेंट भी नहीं बचा, तो किसके पास है वो डॉक्यूमेंट, बैंक के पास, और बैंक से एक एम्प्लॉई निकलेगा और कहाँ जाएगा, सुनीता के घर पे, और उनसे पैसे की डिमांड करेगा। और क्वेश्चन में क्लियर लिखा होगा कि उसने बिल की पेमेंट कर दी, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड, ड्यू डेट पे बिल की पेमेंट हो गई। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कौन पैसे लेने आया, इसने तो एक ही काम करना है, क्या अपना बिल लेना है, डेबिट वर्ड कम्स इन, बिल्स पेबल लेना है, और क्या दे देना है उसे, कैश दे देना है, कितना, 2500। ये पैसा किसको दे दिया गया, बैंक के एम्प्लॉय को दे दिया गया, कलेक्शन हो गया, पहले बिल हमने दिया बैंक को, फिर उसने क्या करा दिया, कलेक्शन करा दी। लेकिन कलेक्शन होते ही हमें अब अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने का अधिकार मिल गया, क्योंकि उधर पैसा अगर कलेक्ट हो गया है तो आज हम क्या शो करेंगे, आज हम शो करेंगे जी अब तो बैंक बैलेंस बढ़ाने दो, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, अब पहले नहीं किया था अब, और कहां से ऐसे कलेक्ट कराया गया है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन ने कलेक्ट कराया, तो पैसा कौन देगा, ये बैंक में कौन पैसे जमा कराएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, क्रेडिट द गिवर, जिसने पैसा आपको देना है, और वो होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन, और उसमें कितना अमाउंट डाला जाएगा, 2500। तो मतलब आपने पहले बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट करके ड्यू किया, और जब कलेक्शन होगी तो उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। क्लियर है, कंप्लीट है। पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 11 अब करेंगे, जिसमें लिखा है सोनू रिसीव फ्रॉम मोनू एन एक्सेप्टेंस ऑफ ₹1000 ऑन 15th of September 2012 एट 3 months। क्वेश्चन में लिखा है सोनू ने मोनू से 1000 की एक एक्सेप्टेंस रिसीव की। अब इसका मतलब समझ लेना, एक्सेप्टेंस का मतलब बिल रिसीव किया, सोनू ने बिल लिखा होगा, मोनू ने उसको साइन किया और साइन करने के बाद उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, हमने उसे रिसीव कर दिया। एक सवाल आप उठा सकते हो, सर सेल की एंट्री नहीं है इसके अंदर, अभी तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सेल भी हो रही थी,
अरे सारी दुनिया का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, सेल पहले हो चुकी होगी, क्या पता महीने 2 महीने भी हो चुके हों, और कई बार चक्कर लगाने के बाद अब सोनू को अकल आई कि भाई प्रूफ ले लेना चाहिए था। तो हमें जहाँ से वो क्वेश्चन बोलेगा वहीं से जर्नल एंट्री बनाना शुरू करेंगे। सेल के लिए बोलेगा तो सेल की एंट्री से बनाएंगे, अगर वो सेल की एंट्री कहता है कि नहीं बनाओ तो इसका मतलब सेल पहले हो चुकी है। बिना सेल के तो बिल क्रिएट हो नहीं सकता। जहाँ से उसने बोला है वहीं से शुरुआत करेंगे। उसने बोला है बिल एक्सेप्ट हुआ, एक्सेप्टेंस रिसीव हुई, तो हम एक्सेप्टेंस के रिसीव होने से एंट्री बनाना शुरू करेंगे। और डेट रही हमारी 15th of September 2012। सोनू को एक असेट मिलने वाली है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, डेबिट कर देंगे। कहाँ से आया ये? ये आया मोनू से, क्रेडिट द गिवर, और वैल्यू रहेगी उसमें ₹1,000। क्लियर है? इधर सेम डेट मोनू को भी अपने पास एंट्री करनी है कि उसने एक लायबिलिटी क्रिएट किया बिल्स पेबल की, और ये किसको दिया उसने, सोनू को। तो उसने एंट्री करनी है सोनू डेबिट टू बिल्स पेबल, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ₹1,000। क्लियर है? इसके साथ ही सोनू को 4 अधिकार मिल गए। जिसके पास बिल उसके पास 4 अधिकार हैं। नंबर 1, ये इस बिल को फाइल में संभाल के रखे और ड्यू डेट आने पर जाए मोनू के घर, उससे 1,000 रुपये ले ले, 3 महीने बाद आएगी लेकिन ड्यू डेट। दूसरी चॉइस है कि आगे किसी और के ट्रांसफ़र कर दे, फिर पेमेंट इसे नहीं मिलेगी, जिसको उसने ट्रांसफ़र कर दिया अधिकार उसके पास चला जाएगा पैसा मांगने का। तीसरी चॉइस उसके पास ये बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवा दे, अगर बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाया तो बैंक के पास बिल चला जाएगा, लेकिन अभी बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तब जब बिल क्लियर हो जाएगा। और चौथी चॉइस है कि आज ही बैंक के पैसे बढ़वा ले, अभी तो ड्यू डेट आई भी नहीं है, और आज ही अगर पैसे बढ़े तो एडवांस ले लिया उसने, और एडवांस अगर लिया तो उसके तो चार्जेस देने पड़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है सोनू इमीडिएटली गॉट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम फ्रॉम हिज बैंक। उसने इमीडिएटली मतलब फौरन ही उसे बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बैंक से डिस्काउंट कराने का मतलब बैंक से उसके पैसे ले लिए, और अभी तो बैंक को पैसे मिले भी नहीं है, 3 महीने बाद मिलेंगे बैंक को पैसे, और बैंक अगर उसे अभी वो पैसे दे देता है तो बैंक उसमें अपने सर्विस चार्ज जरूर लेगा। हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बैंक इसमें कितना चार्ज लेगा, बैंक चार्जेस जिसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, कितने चार्जेस लेगा वो, जितने का बिल है, जितने पैसे उसे देने पड़ेंगे, 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, उस पर कितना परसेंट, 12% इसमें लिखा है रेट, लेकिन 12% पर एनम है, पर एनम का मतलब समझे, बैंक 12% का ब्याज 1 साल के लिए लेगा। क्या बैंक को इस बिल का पैसा मिलने में 1 साल का टाइम लगेगा? नहीं। कितने दिन का टाइम लगेगा? 3 महीने का। और एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, बैंक चार्जेस उतने दिन के लेते हैं जितने दिन बैंक को वेट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 महीना एक्सटेंड कर दूँ, यहाँ पे 15 सितंबर थी, उसकी जगह मैं कहूँ 15 अक्टूबर को गया, तो बिल की मेच्योरिटी तो भी इस लिखी हुई डेट से 3 महीने तक ही है, और 15 अक्टूबर को अगर बैंक इसको पैसा देगा तो बैंक को इस पैसे को पाने में 3 महीने का वेट अप नहीं करना पड़ता, कितना करना पड़ता, 2 महीने, तो बैंक चार्जेस 2 महीने के लेता। बैंक को अभी फिलहाल लेकिन पूरा ही वेट करना पड़ेगा, पूरे 3 महीने वेट करना पड़ेगा, इसलिए बैंक 3 महीने के चार्जेस लगाएगा, जो कि कितने हो जाएंगे, ₹30। तो अगर उसने एडवांस पैसा लेना है तो ले सकता है, उसकी एंट्री होगी बैंक बैलेंस आज ही बढ़ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं बढ़ेगा, 970 ही बढ़ेगा, ₹30 बैंक के चार्जेस रहेंगे। जो चार्जेस है वो इसके लिए नुकसान है, और नुकसान है तो डेबिट किस नाम से करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ना अलाउड ना रिसीव, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट, कितना, 30। और आज उसे क्या देना पड़ेगा, वो बिल रिसीवेबल उसके पास जो था, जो उसकी असेट था, वो उसके पास से चला जाएगा, जो कि कितने का है, ₹1,000 का। क्लियर है? अच्छा, मोनू को हमने ये नहीं दिया, इसलिए मोनू के लिए इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री बैंक के पास होगी, और ड्यू डेट भी आएगी इसकी, ड्यू डेट तो 3 महीने बाद आनी है, 15 सितंबर 2012 के बाद 3 महीने ऐड करें तो 15 दिसंबर 2012 होते, लेकिन हमने सीखा हुआ 3 दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ग्रेस के, इसलिए ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 18 तारीख। अब पेमेंट तो करनी पड़ेगी, जिसने साइन किया था उसको पेमेंट तो करनी पड़ेगी, किसको पेमेंट करनी पड़ेगी, मोनू को। अच्छा, क्या सोनू उसके पास जा सकता है पैसा मांगने के लिए, भाई मेरे को पैसे दे दो? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? उसके पास वो रसीद ही नहीं है जिसके बदले में पैसा मिलना है। वो किसके पास है इस समय? बैंक के पास है। और बैंक अपने यहाँ से एक कर्मचारी को भेजेगा किसके घर पे, मोनू के घर पे, और कहेगा भाई पैसे लेकर आओ। और मोनू को इससे कोई वास्ता नहीं कि पैसे लेने कौन आया, उसे बस अपने बिल को पहचानना है और अपना बिल लेना है और पैसा उसको देना है। तो बिल ले लेगा मोनू, जिसकी एंट्री क्या करेगा, बिल्स पेबल उसके पास आ गया डेबिट, और उसका क्या चला जाएगा, कैश। क्या मोनू भी 970 रुपये बैंक को देगा?
नहीं, मोनू को तो पूरे ही पैसे जो उसने प्रॉमिस किया था देना पड़ेगा, भले ही सोनू को कितने ही पैसे मिले, लेकिन मोनू उसे कितने पैसे देगा, पूरे का पूरे 1,000। और ये सारा का सारा पैसा किसका बन जाएगा, अब बैंक का बन जाएगा। बैंक उसे दोबारा पेमेंट नहीं करेगा, उसने तो उसे ऑलरेडी 3 महीने पहले ही 970 रुपये दे दिए थे। और इस पूरे प्रोसेस में बैंक को फायदा हुआ कितने का, 30 रुपये का, 970 दिए और बाद में कलेक्शन कितनी की, 1,000 रुपये की। लेकिन ये 30 रुपये कमाने के लिए बैंक को 3 महीने तक वेट भी करना पड़ा। क्लियर है, कंप्लीट है। पेज नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 17 अब कर रहे हैं, जिसमें लिखा है ऑन 1st of January 2012 अजय सोल गुड्स टू विजय फॉर ₹10,000। 1 जनवरी 2012 को अजय ने विजय को 10,000 का सामान बेचा। चलिए, अजय ने अगर सामान बेचा है तो एंट्री तो पक्का की जाएगी 1st of January 2012। क्या एंट्री की जाएगी, विजय उसका कस्टमर बन जाएगा, विजय टू सेल्स, और इस एंट्री में 10,000 अमाउंट फिल कर दिया जाएगा। क्लियर है। सेम डेट विजय भी अपने घर पे एंट्री करेगा कि मैंने परचेज किया है, और वो एंट्री क्या बनाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी किसके अगेंस्ट, अजय के अगेंस्ट, कितने की, ₹10,000। क्लियर है। अब उसके बाद, क्योंकि हम चैप्टर ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं, हमें आइडिया है कौन पैसा लेगा अजय, और जो अजय पैसा लेना चाहता है वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाएगा किससे, विजय से। सारा काम दुकान पे बैठे बैठे हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है विजय एक्सेप्टेड 4 bills of ₹2,500 each for 3 months। अजय ने एक के बजाय 4 डॉक्यूमेंट बनाए 2,500 रुपये वाले, और चारों पे किसके साइन ले लिए, विजय के साइन ले लिए। पहली बात, आप एक ही डॉक्यूमेंट पे साइन ले सकते हैं और 4 पे साइन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो 10,000 के ही साइन किए गए। ये बिल्कुल ऐसे जैसे समझो किसी से तुम्हें पेमेंट लेनी है 2,000 रुपये की, तो तुम एक 2,000 रुपये का नोट भी कलेक्ट कर सकते हो, और वो कह सकता है कि भाई मेरे पास एक 2,000 का नोट नहीं है, 4-500 के नोट दे दूँ क्या, तो हम क्या एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, वो भी कर सकते हैं। इवन 100 रुपये के नोट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर 100 रुपये के नोट देगा तो 20 नोट देने पड़ेंगे, और 50 रुपये के भी दे सकता है, बस वैल्यू जो है वो टैली होनी चाहिए, नंबर कितने उससे रेलेवेंस नहीं है हमारी। अच्छा, उसने 4 बिल क्यों लिखे हो सकते हैं, एक चीज़ समझ लेना, कई बार बड़े डिनोमिनेशन को यूज़ करने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से छोटे डिनोमिनेशन हम रखते हैं। अगर मुझे 2,000 रुपये रखने हो तो मैं एक 2,000 रुपये का नोट रख सकता हूँ, लेकिन 2,000 का नोट मुझे यूज़ करने में दिक्कत हो सकती है। मैं किसी फ्रूट वाले के पास जाऊँ, कहूँ जी 50 रुपये के फ्रूट दे, तो वो कह सकता है जी खुले पैसे मेरे पास नहीं है, तो 2,000 रुपये एकदम से चलाने में दिक्कत हो सकती है। सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी हो सकती है, 10,000 रुपये का एक बड़ा नोट लिखने से किसी पार्टी को वो ट्रांसफर अगर करना चाहते हैं तो तभी कर सकते हैं जब उसे कितने पैसे उसके देने हो, 10,000। लेकिन अगर उसके पास 4 नोट होंगे 2,500 रुपये वाले, तो जिसको 2,500 रुपये देने हैं उसको भी यूज़ हो जाएगा, अगर 5,000 देने तब भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि तब वो 2 नोट उसको पास कर सकते हैं। तो मल्टीपल नोट्स इशू करने से, मल्टीपल बिल लिखने से एडवांटेज क्या है कि उसको डिफरेंट लोगों के साथ यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास एक बिल होगा तो सिर्फ एक ही पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंट बिल अगर आपके पास होंगे तो डिफरेंट लोगों के साथ आप उसे यूज़ कर सकते हैं। शायद इसीलिए उसने एक की बजाय कितने बिल साइन करवाए, 4 बिल साइन कराए, लेकिन वैल्यू तो 10,000 ही है। अच्छा, अब हमारी एंट्री क्या होगी, इसके पास बिल आने वाले, बिल्स रिसीवेबल कहाँ से आने वाले हैं, कौन देगा ये सारे बिल, विजय। अब उसने दिए हों भले ही 4, नरेशन में इस बात को शो करेंगे भी 4 बिल मिले 2,500 रुपये के, लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट भरना है ना, 4 का अमाउंट कितना होगा, अमाउंट तो 10,000 ही होगा, भले ही वो एक बिल साइन करता, भले ही उसने 4 बिल साइन किया, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री जो डायरेक्ट बनेगी उसमें तो बिल्स रिसीवेबल टू विजय लिखेंगे, उसमें 4 बार BR नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिखना है, और उसकी टोटल वैल्यू 10,000। और ये क्या एंट्री करेगा, उसने अजय को बिल दिए थे, तो अजय अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंट्री कर देगा 10,000 रुपये। हाँ, नरेशन से इस बात का पता चल जाएगा कि एक बिल नहीं बल्कि कितने बिल थे, 4 बिल थे, लेकिन जर्नल एंट्री की वैल्यू में सिर्फ एक ही बार बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का नाम लिखा जाएगा। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया बिल्स पेबल, आपको एग्जाम में लेकिन फुली फॉर्म में ही लिखना है। चलिए, अब इसके पास 4 बिल है, देखते हैं उन बिल का वो क्या करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आगे लिखा हुआ है अजय एंडोर्स फर्स्ट बिल टू हिज क्रिएटर संजय। देख लो, उसने काम शुरू कर दिया, उसने पहला बिल, सिर्फ एक बिल किसको पास कर दिया, संजय को। शायद उसने उसके 2,500 देने थे, तो 2,500 देने थे तो 4 बिल थोड़ी दे देगा उसको, सिर्फ उसने एक बिल दे दिया, तो पहला बिल
इसके पास से निकल के किसके पास जाने वाला है, संजय के पास। रूल कहता है जब भी कोई रिसीवर होता है तो हम डेबिट करते हैं, और यहाँ पे कौन रिसीवर होने वाला है, संजय, जिसको कितनी वैल्यू मिलेगी, 2500 में। और इसके पास से क्या गया, बिल्स रिसीवेबल चला गया इसके पास से, जो कि 2500 का है। अच्छा, इस समय विजय क्या एंट्री करेगा, विजय को थोड़ी हमने दिया जो एंट्री करेगा, हाँ संजय इसकी एंट्री कर लेगा। अभी तक संजय ने कोई एंट्री नहीं की, लेकिन अब संजय इसकी एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा, उसको बिल रिसीवेबल मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहाँ से मिला है, अजय से मिला है, ₹2500। क्लियर है। अब इसके पास कितने बिल बचे रह गए यूज करने के लिए, तीन का पैसा भी इसको मिलना है, और एक का पैसा किसको मिलेगा, अब ड्यू डेट आने पर संजय को। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा, आगे लिखा है सेकेंड बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 2350। शायद पैसों की उसको थोड़ी जरूरत पड़ गई, उसने कहा थोड़े से पैसे बैंक से भी ले लेते हैं। उसने एक बिल को डिस्काउंट करा लिया, और कितने में, 2350 में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक बैलेंस आज ही भर जाएगा डिस्काउंट कराने से, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिलेंगे भाई, उसे एडवांस ले रहे तुम, पैसे कटेंगे, ₹150 कट गए, जिसको क्या नाम देते हम, डिस्काउंट अकाउंट, कितना, 150। और एक बिल और चला जाएगा इसके पास से, बिल्स रिसीवेबल ₹2500। बाकी लोग क्या एंट्री करेंगे, बाकी लोग इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बैंक करेगा। ठीक है जी, कितने बिल बचे रह गए इसके पास, अब इसके पास दो बिल रह गए। आगे लिखा है थर्ड बिल वाज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तीसरा बिल उसने बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवा दिया। अगर वो बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाता है तो ध्यान रखना, बिल तो आज ही देगा, लेकिन पैसा उसे आज ही मिलेगा, पैसा उसे क्लियर होने के बाद मिलेगा, एंट्री लेकिन हमें करनी पड़ेगी। आज ही बैंक बैलेंस बढ़ा दे क्या, बैंक लिखने का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक नहीं बढ़ाना, क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, और उसमें वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2500। और ये बिल भी किसी और के पास नहीं गया है, बाकी लोग इसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब आएगी फिर इसकी ड्यू डेट। चौथा बिल अभी भी इसके पास रह गया, पहला बिल संजय के पास चला गया, दूसरा उसने डिस्काउंट करा लिया, तीसरा उसने क्या कर दिया, कलेक्शन भेज दिया, चौथा बिल अभी भी इसकी फाइल में लगा होगा। ड्यू डेट आने पर लिखा है इसके अंदर, ऑन द ड्यू डेट ऑल द बिल वर मेट, सारे बिल मेट हो गए, मतलब सारे बिल की पेमेंट कर दी गई। कौन सी डेट होगी वो, 4th of April 2012। मैंने इसमें ग्रेस डेज भी ऐड कर दिए। सबसे पहली एंट्री, एक बिल इसके पास है, चार में से एक बिल पड़ा हुआ है, वो एक बिल लेकर किसके घर पे जाएगा, विजय के घर पे, और कहेगा जी मेरे पैसे दे दो, और उसको पैसा मिल जाएगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, 2500 तो खुद लेगा। क्लियर है। अच्छा, इसी दिन एक बिल संजय भी लेकर आएगा, संजय के पास भी, अब वो भी किसके घर पे जाएगा, विजय के घर पे, कहेगा मेरे पास भी एक बिल है, मेरे को भी पैसे दो, उससे तो अपना बिल पहचाना है और पैसे देने, तो एक बिल का पैसा इसे मिल जाएगा, ये भी क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जिसको भी पैसा मिलेगा वो कैश को डेबिट करेगा, और बिल उसे देना पड़ेगा तो बिल को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। ठीक है जी, बैंक से भी आएंगे दो बिल हैं बैंक के पास, एक उसने डिस्काउंट के लिए और दूसरा उसने कलेक्शन के लिए अपने पास रखा हुआ है। जो डिस्काउंट वाला बिल है वो बैंक की प्रॉपर्टी है, उसका पैसा ऑलरेडी यहाँ पे दिया जा चुका है, वो पैसा बैंक अपने पास रख लेगा, और जो कलेक्शन का बिल है उसका पैसा उसे वापस किसको देना पड़ेगा, अजय को देना पड़ेगा। लेकिन बैंक वाला दो बिल लेकर किसके घर पे पहुंचेगा, विजय के घर पे, और कहेगा जी ये दो बिल लो और मुझे 5000 पे दो। बैंक की बुक हम नहीं बनाते, लेकिन बैंक को भी 5000 मिले होंगे। अब बताओ विजय को टोटल कितने बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी, चारों बिल की पेमेंट करनी है, उसने चाहे कहीं से भी बिल आया, एंट्री उसने एक ही करनी है, उन्होंने चारों लोगों से बिल लिए, तो बिल्स पेबल अपने ले लिए उसने, कितने, चारों के चारों, मतलब 10000 के, और चारों लोगों को क्या दे दिया, कैश ही दिया, चाहे अजय आया चाहे संजय आया और चाहे बैंक से दो बिल आया, उसने सारे बिल लिए और सबको क्या दिया, कैश दिया, इसलिए उसकी नजर में कोई फर्क नहीं है, चाहे कोई भी बिल लेकर आए उसको एंट्री एक ही करनी है। अच्छा, अजय के पास एक एंट्री अभी एक्स्ट्रा और होगी, वो जो कलेक्शन वाला बिल था उसका पैसा अभी तक भी नहीं मिला, वो कलेक्शन में था, तो जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया था उसका पैसा कर्मचारी को मिल चुका है, तो वो अब क्या करेगा, इसके अकाउंट में अब जमा करेगा, और एक एंट्री अब और फिर होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। जो डिस्काउंट वाला बिल है उसके पैसे तो उसको मिल चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो कलेक्शन वाला बिल था उसका पैसा अभी भी उसे नहीं मिला था, तो वो पैसा उसे कब मिलेगा, कलेक्शन होने के बाद मिलेगा। क्लियर है, कंप्लीट है।